बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एमडी कैट के हवाले से हमने हर खबर से आपको आगाह रखा है और आपको ये भी बताया है कि एमडी कैट की जो लिस्ट है कब लगेगी। रात भी हमने आपको बताया और उसके मतलब जितनी भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती रही है हर खबर से हमने आपको आगाह रखा है। अब एमडी कैट की जो टेंटेटिव लिस्ट है वो शाया हो चुकी है। UHS ने अपनी वेबसाइट या इधर उधर नहीं दी, लेकिन वो हमारे पास मौजूद है। हम आपको बता देते हैं, हमने आपको पता होगा कि हमने एक दफ़ा आपको कहा था कि जो मेरिट होगा वो क्या होगा, लेकिन उस पर आप लोगों की तरफ से कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये और वो ऐसा ही हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जो हम आपको दिखाने लगे हैं, इसमें जो पहला बच्चा है उसका 97.8589 मेरिट है जो UHS ने शो करवा दिया है, और आज उनकी वेबसाइट पर भी ये आ जाएगा। पहला बच्चा जो सबसे टॉप बच्चा है उसका बच्ची है, उसका नाम है आयशा अमान और फादर नेम है मोहम्मद अकरम बेग, उसका 97.8589 मेरिट रहा है। और इसके बाद यकदम नीचे गिरा है, उसका नाम हादिया है, बच्ची का नाम हादिया अहमद है, सन डाटर ऑफ नदीम अहमद है, उसका 96.48 है मेरिट। और ये देख लें यहाँ रहा है, और फिर 96 तक ही बच्चे, जो एक और बच्चा आता है, फिर 95 में बेशुमार बच्चे हैं। और जो लिस्ट उन्होंने टेंटेटिव लिस्ट दी है, सबसे पहले हमने आपको बताया 97.85 है, और सबसे जो आखिरी बच्चा है जिसको उन्होंने टेंटेटिव लिस्ट में रखा है, उस बच्चे का जो मेरिट है वो 88.22 है, 88.2247। ये आखिरी बच्चा, ये टेंटेटिव लिस्ट है, और इसमें जो मेरिट बनेगा 88 वाला, ये 2 से 3% मेरिट ऊपर जाएगा, कम हो जाएगा। ये टेंटेटिव लिस्ट है और इसमें कुछ बच्चे निकल जाएंगे और बाकी जो है उनके नाम होंगे, उनकी मेरिट जो लिस्ट होगी यानी कि MBBS की या जो लगेगी जितनी सीट्स हैं उसमें। और ये हम आपको बता दें कि इसमें जो 97 से शुरू हो के 88 तक जाता है, 88.22 तक ये शुरू होकर जो जाता है, इसमें जो सफ़े हैं ये सफ़े तकरीबन आपके 243 सफ़ों पर ये शाया किया गया है। आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें जो बच्चे हैं वो तकरीबन 11 नंबर हैं, और 11 नंबर में जो बच्चे हैं वो इतने बच्चे हैं कि जो 243 सफ़ों पर फैले हुए हैं, और एक सफ़े पर जो बच्चे हैं वो 24 हैं। एक सफ़े पर 24 हैं तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 3500 नहीं कई हज़ार बच्चे इसमें शामिल हैं। और अगर हम इसमें बात करें कि टोटल कितने बच्चे बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में मौजूद हैं, और लेकिन ये टेंटेटिव लिस्ट है इसलिए इसमें से वो बच्चे निकल जाएंगे। 243 सफ़े हैं और हर सफ़े पर 24 बच्चे हैं, तो इस तरह ये 5832 बच्चे बनते हैं, और इनमें कुछ ऐसे सिफात भी हैं जिनमें कुछ ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 6000 के करीब ये बच्चा है जिनकी लिस्ट है। और अब 6000 का मतलब ये हुआ कि इस 6000 में जो बच्चे बहुत भी हम कर लें MBBS और मेडिकल के मिला के, तो 3500 सीट है, 3400 कुछ सीट्स हैं, लेकिन हम 3500 भी लगाएं तो अब इनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो आधे से ज़्यादा बच्चे निकल जाएंगे। अब आधे से ज़्यादा जब बच्चे निकलते हैं तो मेरिट आपका 91 से भी ऊपर जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो आपको पहले दिन कहा था कि मेरिट में कोई कमी नहीं आएगी, जो PMC ने किया है बच्चों के साथ या जो उनके साथ ज़्यादती हुई है जो भी है, वो एक अलग है, अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरिट में नहीं कमी होगी। परसेंटाइल जो हमने आपको बताया था उसके हिसाब से भी हमने यही कहा था कि 90+ मेरिट रहेगा, लेकिन आप लोगों ने कुछ कहा कि ये होगा, लेकिन उसके जवाब में हमने सिर्फ यही कहा कि लिस्ट आएगी, इंतज़ार करें, पता चल जाएगा। तो अब आप इस लिस्ट के देख सकते हैं, ये लिस्ट आपके पास है, आपके मौजूद है, इसी लिस्ट को मैं आप सारी चलाऊंगा, जितनी भी लिस्ट हैं वो इस वीडियो में चल रही हैं और ये सारी चलती रहेंगी। आप इनको देख सकते हैं कि कितना मेरिट है, और इसमें 243 पेज हैं, और हर पेज पर 24 सबसे कम 24 हैं, सबसे ज़्यादा 27 बच्चे हैं, और इसमें कुछ 10000 के करीब 8000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस लिस्ट में हैं, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसका जब मेरिट बनेगा तो मेरिट बन के आपको पता है जब 3500 इसमें से बच्चा निकलेगा, टॉप वाला बच्चा निकलेगा,
और जो टॉप वाला बच्चा निकलेगा वो 90 प्लस से कहीं ऊपर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने कहा था आपको वो मैटर वही रहेगा। आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उस वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो तकरीबन आपसे कहा था कि ये जो मैरिट होगा वो 88 बनेगा, लेकिन उस 88 को जो हमने बताया था उसमें 7 या 8 आपके दिन गुजरे थे एमडी कैट के, और उसके बाद 15 जब दिन गुजरे, 15 एमडी कैट हो गए, 15 दिन तक चलता रहा, तो फिर हमने आपको मैरिट थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। लेकिन जब सारा मैरिट बन गया तो फिर हमने आपको बताया था, यानी कि सारे टेस्ट होने के बाद जो हमने आपको बताया था वो कहा था कि 93 होगा, लेकिन जब डाटा कंपाइल हुआ तो फिर हमने आपको कहा था 90 से ऊपर ऊपर सारे बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे, 3500 बच्चे, और 90 से ऊपर जाएगा जहां मर्जी वो ख़त्म हो जाए। और आज भी आप देख सकते हैं इस मेरिट लिस्ट में, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये सारी आपके सामने है, इसमें आपके टॉप के 35 बच्चे निकाल लें, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरिट यहाँ तक आया है। मैंने इसकी एक एक की कैलकुलेशन की है, एक एक को देखा है, फिर जाके मैंने कहा मैं अभी भी 90 प्लस कह रहा हूँ, लेकिन 90 से कितना ऊपर है वो आप इनमें से 3500 बच्चे खुद ही निकाल लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बच्चा है, एक नंबर में कितने कितने बच्चे हैं। टोटल जो 8-9 हज़ार बच्चा है वो आ गया है सिर्फ 11 नंबरों में, सिर्फ 11 नंबरों में इतना बच्चा आया है, और एक नंबर में कितने कितने बच्चे हो गए ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। हमारी वो कही हुई बात अब हर हर सच हो गई है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो खबर होती है वो बिल्कुल ही हवाई खबर नहीं होती, वो हम दलायल और सबूत के साथ बयान करते हैं, लेकिन जिसका सबूत ना हो उस पर सिर्फ खामोशी इख्तियार की जाती है और आपको वो खबर दी जाती है जो कि बिल्कुल दुरुस्त हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और ख़बरें आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस लिस्ट के साथ, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, अपने हर एक का नाम, जिसका भी नाम आ चुका है या जो चाहता है कि इसमें अभी कोई अभाम है तो इसको आप देख लें, सारी लिस्ट चलेगी और आप सारी लिस्ट को आप इसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरिट क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।